दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के तीन भाग हैं। पहला भाग है जड़ी बूटियों द्वारा चिकित्सा, पेड़ पौधों द्वारा चिकित्सा, फल और फूल के द्वारा चिकित्सा, ये एक भाग है। दूसरा सर्जरी के द्वारा चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, ये दूसरा भाग है। और तीसरा और आखिरी भाग है खान पान, पथ्य अपथ्य और यम नियम के आधार पर चिकित्सा। क्या खाएं, क्या ना खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, क्या पिएं, क्या ना पिएं, कब पिएं, कैसे पिएं, कितना पिएं, इनके आधार पर चिकित्सा। तो पहली जो चिकित्सा है, जड़ी बूटी, पेड़ पौधे, फल आदि, इनके मास्टर थे, पंडित थे महर्षि चरक। दूसरी वाली जो चिकित्सा है, शल्य चिकित्सा, उसके पंडित थे शुश्रुत, महर्षि शुश्रुत। और तीसरी वाली जो चिकित्सा है, यम नियम, खान पान के नियम, इसके चिकित्सक सबसे बड़े थे महर्षि बाघभट्ट। आएगा हमारी आयुर्वेद चिकित्सा का जो मूल सिद्धांत है वो जान लेना चाहिए। सिद्धांत ये है कि कोई व्यक्ति बीमार कब पड़ता है और कोई व्यक्ति स्वस्थ कब रहता है। बीमार कोई भी व्यक्ति तब पड़ता है जब उसका वात, पित्त और कफ तीनों असमान होते हैं, असंतुलित होते हैं। और कोई भी व्यक्ति स्वस्थ तब रहता है जब वात, पित्त, कफ तीनों उसके संतुलित होते हैं। तो वात, पित्त, कफ तीनों का संतुलन अगर है तो जीवन में आपको कभी रोग आएगा नहीं। और अगर वात, पित्त, कफ में असंतुलन है, टूट फूट है, तो हमेशा रोग आने वाले हैं और आप परेशान हो जाने वाले हैं। वात के असंतुलन से हमारे शरीर में 80 रोग आते हैं, 80, 8 और 0, 80। पित्त के असंतुलन से हमारे शरीर में 40 रोग आते हैं, 4 और 0, 40। और कफ के असंतुलन से 28 रोग आते हैं। सबसे कम कफ के रोग हैं, सबसे ज्यादा वात के रोग हैं, पित्त वाला बीच में है। कफ के रोग क्या क्या हैं? मोटे मोटे कुछ रोग बताता हूं ताकि आपको पता रहे। मोटापा होना, ये कफ का सबसे खराब रोग। वजन बढ़ना, ये कफ का सबसे खराब रोग। थायराइड की समस्या पैदा होना, ये कफ का सबसे खराब रोग है। हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, एक में थायराइड बढ़ता है, एक में घटता है, कफ की सबसे खराब समस्या। सर्दी होना, जुकाम होना, कफ की सबसे बड़ी समस्या। खांसी होना, बलगम जमा होना, कफ की सबसे बड़ी समस्या है। आंखों में मोतियाबिंद होना, जिसको आप कैटरेक्ट कहते हैं, ये कफ की समस्या है। कान में सुनाई नहीं देना, ये कफ की समस्या है। नाक से हमेशा पानी बहना, नजला होना, ये कफ की समस्या है। कान में से पानी आना, ये भी कफ की समस्या है। आंखों का लाल हो जाना, कफ की समस्या है। आंखों के आसपास काला घेरा हो जाना, कफ की समस्या है, जिसको डार्क सर्कल आजकल कहा जाता है। हमारे चेहरे पर फोड़े, फुंसी हो जाना, या तो कील मुहासे हो जाना, कफ की समस्या है। चेहरे की त्वचा का रंग बदल जाना, कफ की समस्या। ऐसे कफ के 28 रोग हैं। मोटी सी एक जानकारी दूं, अगर आप योग शिक्षक हैं तो आपको ये बहुत काम आएगी, कि छाती से लेकर, यहां से लेकर मस्तिष्क के आखिरी हिस्से तक, इस इलाके के जितने रोग आप जानते हैं वो सब कफ के रोग, सबके सब। अब छाती से लेकर और जंघा तक, यहां जितने भी रोग आप जानते हैं वो सब पित्त के रोग। गैस बनना, एसिडिटी होना, हाइपर एसिडिटी होना, अल्सर होना, पेप्टिक अल्सर होना, खाते समय मुंह में पानी आना या मुंह का पानी बिल्कुल सूख जाना, बार बार डकार आना, खट्टी डकारें आना, हिचकियां आना, ये सब पित्त की समस्याएं हैं, पित्त के रोग। और इनकी संख्या 40 है। ये छाती से लेकर जंघा के बीच वाले इलाके के रोग हैं, सब पित्त के।
किडनी खराब होना, लीवर खराब होना, किडनी में स्टोन होना, लीवर में सूजन होना, ये सब पित्त की समस्याएं हैं। और खराब रोगों के नाम बताऊं, जॉन्डिस होना, पीलिया होना, हेपेटाइटिस होना, ये सब पित्त के रोग हैं, पित्त की समस्याएं। कई तरह के बुखार पित्त की समस्याएं। और जंघा से लेकर और आखिरी पॉइंट जो आपका है नाखून अंगूठे का, इस इलाके के जितने भी रोग हैं वो सब वात की समस्या है। घुटने दुखना, घुटने के नीचे का तल्ली दुखना, घुटने में ऐंठन होना, क्रैम्प होना, तरह तरह के ये सब वात के रोग। सबसे ज्यादा वात के रोग हैं, मैं बोला आपको 80, उसके बाद पित्त के हैं 40 और सबसे कम कफ के रोग हैं। अब आपको जिंदगी भर एक ही चीज ध्यान रखनी है कि वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहे आपके, तो आप रोगी नहीं हो सकते। तो आपको करना क्या है, वात पित्त कफ तीनों को संतुलन रखने के लिए महर्षि बागभट्ट के कुछ सूत्र याद रखने और याद रख के उनको जीवन में पालन करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।